नमस्कार साथियों, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। और आज की इस क्लास में हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी टेक्निकल सोल्जर के लिए। इंडियन आर्मी में टेक्निकल सोल्जर की जो भर्ती होती है वो +2 मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होती है, और इसकी ओपन रैली यानी खुली भर्ती के माध्यम से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद में जो पेपर होता है उस पेपर का हमने सिलेबस जो है डिटेल में सबसे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। और आज की इस क्लास में हम जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है मैथ, और मैथ का हमने टॉपिक लिया है प्रायिकता, जो कि सबसे पहली बार आर्मी ने इसमें ऐड किया है नए सिलेबस में प्रायिकता को, +2 मैथ वालों के लिए, टेक्निकल वालों के लिए। तो प्रायिकता जो है उस पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक बातें हैं वो अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एक होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार्य करें तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है वो अपने को परिणाम दे, ठीक है। तो उस घटना को क्या बोला जाता है? एक अनुप्रयोग बोला जाता है। तो ये जो अनुप्रयोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य करें उसके जो परिणाम आए वो हर एक जगह नियत रहे, किसी भी जगह बदले नहीं, किसी भी दशा में नहीं बदले, हर एक स्थिति में उनका जो परिणाम आए वो सेम कंडीशन में आए, ठीक है। जैसे अपन एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का अगर सम करें उनके इंटीरियर एंगल का, अंतः कोणों का योग करें तो वो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। हर एक कंडीशन में, चाहे वो त्रिभुज किसी प्रकार का हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, लेकिन उसके सभी कोणों का योग क्या रहेगा? 180 डिग्री। ये हो गया साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यानी साइंटिफिक अनुप्रयोग हो गया। उसके बाद में रेंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक अनुप्रयोग। इसका मतलब क्या होता है कि अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं यानी कोई भी एक्शन ले रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो हर एक दशा में बदलता रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे? रेंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो सिक्के को उछालने पर कई बार तो उस पर हेड आ जाता है, और उसी सिक्के को उसी जगह उछालें दोबारा पे तो उसी में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या फिर दोबारा से क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, यानी चेंज होते रहते हैं उसके जो परिणाम हैं। तो उसको अपन कैसा परिणाम बोलेंगे? यादृच्छिक परिणाम बोलेंगे। तो अपने जो प्रायिकता है उसमें अपन यादृच्छिक परिणाम पर ही चर्चा करेंगे, यादृच्छिक अनुप्रयोग पर ही चर्चा करेंगे। अब ये होता है इसका सूत्र प्रायिकता निकालने का। प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब तो क्या होता है कि कुल परिणामों में से अपने को कुछ परिणाम जो है वो क्वेश्चन की परिभाषा के अनुसार या क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अनुसार अपने को सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो वो तो हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। तो सबसे पहला काम है कुल परिणाम निकालने चाहिए अपने को। कुल परिणाम कैसे निकालें? तो कुल परिणाम निकालने के लिए अपने को सैंपल स्पेस का नॉलेज होना चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार से कुल परिणाम होता है, या इसको हिंदी में बोलें तो प्रतिदर्श निकाय। ये क्या होता है? कोई भी अपन यादृच्छिक अनुप्रयोग कर रहे हैं तो यादृच्छिक अनुप्रयोग के सभी संभावित, जितने भी उसके संभावित परिणाम हैं, सभी संभावित परिणामों का जो समुच्चय होता है, सभी संभावित परिणामों का समुच्चय यानी कुल परिणाम, एक यादृच्छिक प्रयोग के जो कुल परिणाम होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। कुल परिणाम को ही सैंपल स्पेस बोल जाता है। मेन बात अपने को प्रायिकता में सैंपल स्पेस निकालने की है। अगर सैंपल स्पेस निकालना आने लग गया तो अपन प्रायिकता के क्वेश्चन जो है वो आराम से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सैंपल स्पेस निकालना बताऊंगा कि कोई भी यादृच्छिक अनुप्रयोग कर रहे हैं अपन तो उसका सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है। तो छोटे से एक उदाहरण से शुरू करते हैं अपन कि एक जो कॉइन होता है, वन कॉइन, एक सिक्के को उछालें तो उसके कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? तो एक सिक्के को उछालने पर आपको ध्यान ही होगा कि उसके कुल परिणाम या तो उसका हेड होगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा, यानी चित्त आएगा, या फिर क्या आएगा? पट आएगा। यानी उसके कुल परिणाम कितने होंगे? दो होंगे। तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? हेड या फिर टेल, ठीक है। ये एक कॉइन के लिए हो गए सैंपल स्पेस हेड और टेल, दो हो गए मतलब। उसके बाद में दूसरा, अगर अपने पास में एक सिक्का ना होकर के दो सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, ठीक है, दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तो एक सिक्के के अपने को पता है कि कंडीशन क्या होंगी, कुल परिणाम कितने होंगे? हेड टेल हो जाएंगे, गुणा दूसरे सिक्के के लिए भी क्या होगा? अगर उनको उछालेंगे तो हेड टेल हो जाएंगे। तो दोनों के साथ में कुल परिणाम कितने आ जाएंगे अगर एक साथ अपन देखें? तो अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हेड का हेड से करेंगे तो हेड हेड आ जाएगा, फिर हेड का टेल से लिखेंगे तो हेड टेल लिखेंगे, फिर टेल का हेड से लिखेंगे तो टेल हेड लिखेंगे, फिर टेल का टेल के साथ लिखेंगे तो टेल टेल लिखेंगे। तो इसके कुल परिणाम या सैंपल स्पेस इनका कितना आ गया? सैंपल स्पेस की संख्या हो गई 2 की घात 2 यानी
चार हो गई, ठीक है। तो दो सिक्कों के लिए कुल परिणाम कितने हो गए, चार हो गए। ऐसे ही अपन तीन सिक्कों का देखेंगे, तो तीन सिक्के लें अपन, थ्री कॉइन, तो तीन कॉइन का कुल परिणाम कितना होगा। तो तीन कॉइन का कुल परिणाम या सैंपल स्पेस निकालने के लिए पहले अपने को दो का पता होना चाहिए। तो दो का अपने के ध्यान में है कि क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, ये दो सिक्कों के लिए हो गया। फिर अगर तीसरा सिक्का ला, तीसरे के लिए भी क्या होगा, हेड टेल ही होगा, एक सिक्का है। तो तीनों को अगर साथ में मिला के अपन लिखें तो कुल परिणाम या सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा इनके लिए, हेड हेड जो है इन सभी को इनके साथ मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। तो हेड हेड पहले हेड के साथ में लिखेंगे तो हेड 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 हो जाएगा, फिर हेड टेल को हेड के साथ में लिखेंगे तो हेड टेल हेड हो जाएगा, फिर टेल हेड को इस हेड के साथ लिखेंगे तो टेल हेड हेड हो जाएगा, फिर टेल टेल को हेड के साथ लिखेंगे तो टेल टेल हेड हो जाएगा, ठीक है। तो इन चारों को मैंने इस हेड के साथ लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही इन चारों को मैं आगे वाली इस टेल के साथ लिखूंगा, इन्हीं सभी चारों को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, पहले हेड हेड टेल बनेगा, फिर क्या बनेगा, हेड टेल टेल बनेगा, उसके बाद में क्या बन जाएगा, तीसरा टेल हेड टेल बन जाएगा, फिर आगे वाला ये दोनों टेल टेल हैं, फिर टेल 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 बन जाएगा। तो कुल मिला के इनके जो सैंपल स्पेस हैं वो कितने आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यानी 2 के घात 3 बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। तो अपने कितने ही सिक्के एक साथ उछालने पड़े तो उनके सैंपल स्पेस आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। अपने को क्वेश्चन पूछा जाए, एक सिक्के का क्वेश्चन हो, दो सिक्के का हो, तीन सिक्के का हो, चार सिक्के का हो, तो आपके उनके पहले कुल परिणाम निकाल सकते हैं। एक सिक्के के लिए हेड टेल होता है, तो दो सिक्के के लिए हेड टेल इंटू हेड टेल, तो क्या बन जाएंगे सारे, ये बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। फिर तीन सिक्कों के लिए तीन का पहले दो का पता होना चाहिए, फिर तीसरे का हेड टेल लिख लेंगे तो उसके साथ उनका कर लेंगे तो आ जाएंगे 8 कुल परिणाम। इस टाइप से अपन किसी भी सिक्के के, दो सिक्के, तीन सिक्के, अब चार सिक्के हों तो चार सिक्कों के कुल परिणाम कितने आएंगे, 2 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके कुल परिणाम बन जाएंगे 16। आगे देखते हैं अपन, और उसके बाद में अपन बात करते हैं डाइस की, यानी वन डाइस के कुल परिणाम या उसके जो सैंपल स्पेस हैं वो कितने होंगे। वन डाइस मतलब एक पासा, ठीक है। तो पासा जो होता है इस टाइप से बना होता है, ठीक है। उस पे 6 अंक लिखे होते हैं, कितने अंक लिखे होते हैं, 6 जगह, मतलब इस टाइप से 6 फेस होते हैं इसके, उनके ऊपर 6 लिखे अंक होते हैं। कौन से अंक होते हैं, तो अगर एक पासे को अपन उछालते हैं तो उन 6 अंकों में से कौन से अंक हो सकते हैं कुल परिणाम के, 1 2 3 4 5 और 6, ये अंक क्या हो गए, एक पासे के कुल परिणाम हो गए, यानी 6 की घात 1 बराबर 6। तो एक पासे के लिए कुल परिणाम कितने हो गए, या उसके जो प्रतिदर्श निकाय हैं या सैंपल स्पेस है वो हो गए 6। उसके बाद में अगर दो पासे अपने को लेने पड़े, टू डाइस, ठीक है। तो टू डाइस के लिए क्या हो जाएगा कुल परिणाम, एक के लिए 6 घात 1 है तो दो के लिए क्या हो जाएगा, 6 घात 2 यानी 36। तो कुल परिणाम हो जाएंगे उसके 36। और निकालने का तरीका क्या रहेगा उनका, जैसे अपन ने इन पासे का देखें तो इस टाइप से निकाल सकते हैं इजी वे में, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं इनको, दूसरा ये पहले पासा हो गया, फिर दूसरा पासे का देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से अपन इनके जो परिणाम है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लस के लिए निकालें तो इनका कुल परिणाम क्या क्या बनेंगे, यार सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक का एक के साथ लेंगे तो 1 1 बन जाएगा, फिर एक का दो के साथ लेंगे तो 1 2 बन जाएगा, फिर एक का तीन के साथ लेंगे तो 1 3 बन जाएगा, फिर 1 4 बन जाएगा, फिर 1 5 बन जाएगा, फिर 1 6 बन जाएगा। तो इस टाइप से अपन इनके कुल जो परिणाम है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो सिक्कों के लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये हो गया अपना प्रायिकता का जो सैंपल स्पेस है। अच्छा, सबसे मेन बात अपने को सैंपल स्पेस या कुल परिणाम निकालने आने चाहिए, उसके बाद में ही अपन उस प्रायिकता को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सिक्के कितने हैं, दो। तो सबसे पहला काम आपको देखना है कि कितने सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, तो दो सिक्कों का कुल परिणाम आपको आना चाहिए, यानी उसका सैंपल स्पेस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस दो सिक्कों के लिए अपन कैसे निकालेंगे, अगर एक सिक्के का ध्यान में है तो एक सिक्के का होता है हेड टेल, गुणा दूसरे सिक्के का भी क्या हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा। तो उनका कुल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, हेड का हेड के साथ लिखेंगे तो हेड हेड हो जाएगा, फिर हेड का टेल के साथ लिखेंगे तो हेड टेल हो जाएगा, फिर टेल का हेड के साथ लिखेंगे तो टेल हेड हो जाएगा, फिर टेल का टेल के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल टेल। तो ये इनका सैंपल स्पेस हो गया, यानी
कुल परिणाम हो गए चार। ठीक है, तो दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? चार होते हैं। तो अपने सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र ध्यान में होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी पी निकालने का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब ही क्या होता है? सैंपल स्पेस निकालना, कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार। तो ये तो हो गए चार। अब इनमें से अपने को देखने कौन से हैं? एक चित वाले देखने, एक चित आने की प्रायिकता यानी हेड वन होना चाहिए। वन हेड आने की अपने को क्या निकालनी है इसमें? प्रोबेबिलिटी। हेड वन होना चाहिए, एक ही जिसपे हेड है वो अपने अनुकूल परिणाम में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हेड हैं? दो हेड हैं, तो ये अपना ऑप्शन में नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे एक हेड है तो एक तो ये हो गया अनुकूल परिणाम, एक ये हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गए हेड? दो हेड हो गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? दो बट्टे चार। तो प्रायिकता कितनी हो गई इसकी? एक बट्टा दो। तो एक चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई? एक बट्टा दो। दूसरा क्वेश्चन अपने को पूछ रखा है कि एक कम से कम एक चित आना चाहिए। कम से कम कितना आना चाहिए? एक चित, यानी एटलीस्ट वन हेड। कम से कम एक चित आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस अपन ऊपर निकाल ले ही हैं, क्या क्या हैं दो सिक्कों के लिए? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और क्या बनेगा? टेल टेल। ठीक है, सूत्र ये है ही प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो प्रायिकता पी बराबर कितनी हो जाएगी? कम से कम एक चित आने की, एक चित तो आना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे कितने चित हैं? दो चित हैं, सही है। कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक, दो, तीन कितने हो सकते हैं? एक कम से कम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तो है कम से कम, उसके बाद में कम से कम यहाँ पे एक है चित, यहाँ पर कम से कम एक चित है, लेकिन यहाँ पर कितने ही चित नहीं है। चित का मतलब होता है हेड। ठीक है, तो कम से कम कितने चित हो गए? कम से कम तीन चित हो गए। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए? तीन हो गए। और कुल परिणाम कितने हैं? चार। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तीन बटे चार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक भी चित न आने की प्रायिकता, एक भी चित नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस तो अपन ने बना ही लिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और फिर होता है टेल टेल। ठीक है, तो इसमें एक भी चित नहीं आना चाहिए। तो एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता, चित होना ही नहीं चाहिए, मतलब हेड होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हेड है तो ये अनुकूल परिणाम नहीं होगा, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर भी हेड है, तो जिसमें हेड नहीं है वो अपना अनुकूल परिणाम में हो जाएगा। तो इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो अनुकूल परिणाम तो हो गया एक, और कुल परिणाम, ये कुल परिणाम कितने हैं सारे? चार। तो प्रायिकता हो गई एक बटे चार। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की इस क्लास का टॉपिक जो प्रायिकता है। आज की इस क्लास में मैंने सिर्फ सैंपल स्पेस के बारे में बताया आपको और एक क्वेश्चन कराया इस पे बेस्ड। तो अगर आपको अच्छा लगे कि आगे मैं और वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आपको बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जो भी नया वीडियो बनाएँ वो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।